और इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेल की कीमतों के लगातार बढ़ने के खिलाफ रैली निकाली है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से रैली बीजेपी कार्यालय तक जा रही थी, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मास्क तो जरूर लगाया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। और इस बीच पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बस में बिठाकर उन्हें वहां से हटा दिया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय को घेरने के लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ आप देखेंगे पुलिस की बैरिकेडिंग है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। ये लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड के पास ही फिलहाल खड़े हो गए हैं और यहाँ बैरिकेड लगाकर पुलिस ने इन्हें रोका है। इसके पीछे तक आप देखेंगे तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि कोरोना काल में लोगों के पास आमदनी का साधन नहीं है और उस पर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम जो हैं वो महंगाई को भी और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तस्वीरें एक बार फिर दिखाएं आपको, पीछे तक ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इन्हें यहाँ पर रोक लिया है। तमाम लोग यहीं बैरिकेड के पास अब जो है वो बैठ गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि जो लोग यहाँ आए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन बावजूद इसके आप यहाँ पर देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, लेकिन बैरिकेड के पास ये तमाम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। और दिल्ली के मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। राखी बिरलान ने स्कूटर की शव यात्रा निकालकर सरकार पर लोगों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं, इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी देश भर के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है, अपील कर रही है कि तुरंत प्रभाव से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, वहीं देश के अंदर भारत के अंदर देखा जा रहा है हर दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, डीजल की बेतहाशा कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से खबर है जहां अस्पताल में एक पुलिसकर्मी और डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई है। आरोप है कि अपना इलाज करवाने पहुंचे पुलिसकर्मी को अस्पताल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड घुमाए जाने की वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच डॉक्टर के बचाव में आए उसके सहयोगियों की भी पुलिस वाले ने पिटाई की, जिसके बाद डॉक्टरों ने भी पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया। ये पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद सामने आई तस्वीरों में अस्पताल में तोड़फोड़ भी नजर आई। तो उज्जैन के अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। दरअसल ये मामला इसलिए बिगड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक अस्पताल में पुलिसकर्मी और डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई। आरोप तो ये है कि अपना इलाज करवाने पहुंचे पुलिसकर्मी को अस्पताल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में घुमाया जा रहा था, जिस वजह से पुलिस वाला गुस्से में आ गया और उसने डॉक्टर की पिटाई शुरू कर दी। इस बीच डॉक्टर को बचाने आए उसके सहयोगियों को भी पुलिस वाले ने नहीं बख्शा और उनको भी पीटा, जिसके बाद डॉक्टरों ने भी पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद सामने आई तस्वीरों में अस्पताल में तोड़फोड़ भी नजर आई।